तो स्टार्ट लेते हैं आज आगे। एम आई ऑडिबल आशीष? सर। ओके। यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज, ठीक है, ये बात तो सही है कि आरएनए में यूरिडीन होता है, ठीक है, यूरिडीन होता है, लेकिन ये यूरिडीन क्या है, इस बात को हमें सॉल्व करना है। तो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर डी करने का सोच रहे हैं, क्योंकि तो कल मैंने बताया था कि प्यूरीन होता है एडेनिन और गवानिन, और जो पाइरिमिडिन होता है वो होता है थायमिन, आइलिन साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेन यूरेसिल, दिस इज यूरेसिल। बट हियर इन क्वेश्चन नॉट यूरेसिल, यहां पर क्या है, यूरेडिन। यूरिडीन। तो यूरिडीन जो है वो क्या चीज है, देखो, अब आपको मैंने बताया था कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बना है, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर और फोस्फोरिक एसिड, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, यस करेक्ट। और वहीं पर अगर हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड होता है जबकि न्यूक्लियोसाइड में वो नहीं होता। अब बच्चों अगर मैं यहां पर इस चीज को अरेंज करूं तो देखो जरा, नाइट्रोजन बेस की जगह मैं यूरिसिल रख देता हूं, यहां पर राइबोज सुगर हो जाएगी क्योंकि आरएनए है, और यहां पर फोस्फोरिक एसिड हो जाएगा, तो इसका जो नेम होगा वो होगा यूरिडिलिक एसिड। क्या नेम होगा बेटा इसका, यूरिडिलिक एसिड। एसिड क्यों दिया, क्योंकि यहां पे फॉस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अब अगर मैं यहां पर नाम रखूं न्यूक्लियोसाइड के अंदर, तो यहां पर मैं रखूं यूरेसिल प्लस राइबोज सुगर, ठीक है, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों यूरिडीन। क्या नेम हो जाएगा, यूरिडीन। तो यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड नहीं है, वो न्यूक्लियोसाइड है, तो हियर द राइट ऑप्शन इज ए। न्यूक्लियोसाइड। हाँ, व्हाट इज यूरिडीन, यूरिडीन इज अ न्यूक्लियो साइड, ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, विच वन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, एनिमल में कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा है। तो बच्चों, कोलेजन। हाँ देखो, बिल्कुल सही समझ गए आप लोग, ये हमने जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि जो कोलेजन प्रोटीन है या कोलेजन फाइबर है वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहां इसने एनिमल के अंदर पूछा है कि एनिमल में कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा है, तो एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होगी, कोलेजन, ठीक है, क्योंकि कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है और हमारा स्केलेटन बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, बोन और कार्टिलेज इसकी बनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और बड़ा दिमाग लगाना है इसके अंदर। देखिए, आपको कह रहा है गिवन इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग टिश्यू, आइडेंटिफाई द कैटेगरी शोन एंड द वन ब्लैंक कंपोनेंट एक्स इन इट। सिंपल भाषा में समझिए, सॉरी, कह रहा है कि आपको एक डायग्राम यहां पर दे रखा है, बस आपको इसको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर एक्स क्या हो सकता है और ये डायग्राम क्या है। देखिए, आसान बहुत है ये, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, इस डायग्राम को मैं थोड़ा क्लियर बनाता हूं।
ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। तो ये सुगर है जो डीएनए और आरएनए में होती है, 5 कार्बन की सुगर है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, और यहां पर कार्बन 5 है जिसको इन्होंने H2OH लिख रखा है, राइट करेक्ट। आप देखिए यहां पर पूछ रहा है कि ये एक्स कंपोनेंट क्या है। बच्चों इस डायग्राम में यहां पर OH ग्रुप है और यहां पर भी OH ग्रुप है। देखिए आप अगर इस सुगर को आइडेंटिफाई कर लें कि ये सुगर कौन सी है तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिए आपको ये पता है कि डीएनए में जो सुगर होती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस। और जो आरएनए में सुगर होती है उस सुगर का नेम क्या है, राइबोज सुगर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, कि अगर मैं डीएनए की सुगर का डायग्राम यहां पर बनाऊं तो डीएनए में जो सुगर होती है उसका डायग्राम ये बनेगा। देखो यहां पर जो है वो एच होगा और यहां पर ओएच होगा। क्या डिफरेंस आपने देखा कि डीएनए के अंदर जो सुगर है उसमें एक ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है ना, कौन से कार्बन पे, 2 नंबर कार्बन पर। यहां पर देखो ओएच है और यहां पर क्या है, एच है। और नाम क्या है इसका, देखो डी ऑक्सी, मतलब एक ऑक्सीजन आपने निकाल दिया है। तो एक ऑक्सीजन आपने कहां से निकाला, 2 नंबर कार्बन से। अब आप देखिए कि ये सुगर आइडेंटिफाई करना ही सबसे इंपॉर्टेंट था। तो ये वाली सुगर कौन सी हो सकती है जो यहां पर इस डायग्राम में है, राइबोज होगी क्योंकि 2 नंबर कार्बन पर क्या है, ओएच है। ओएच है। तो राइबोज सुगर अगर यहां पर है तो ये निश्चित है कि ये किसका मॉलिक्यूल है, आरएनए का, राइट, क्योंकि राइबोज सुगर किस में होती है, आरएनए में। अब बात है कि ये न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तब होता है जब सुगर के साथ क्या अटैच होता है, फास्फोरिक, हाँ, और प्लस नाइट्रोजन बेस, सही बात है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि फास्फोरिक एसिड इस डायग्राम में नहीं है, नहीं। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोसाइड है, राइट। और न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। तो सुगर तो है हमारे पास, नाइट्रोजन बेस कौन सा है हमें यही तो बताना है। तो देखो ये कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम नहीं हो सकता, ये अमाइनो एसिड भी नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड भी नहीं है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। और यहां पर एक्स क्या होगा, यूरेसिल होगा यहां पर, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कोई बहुत बड़ा टफ टास्क ये है नहीं, बताइए क्लियर हुआ आपको, समझ में आया। यस सर। जिस बच्चे को समझ में नहीं आए वो मुझे तुरंत बता देगा कि सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, तो हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, और उम्मीद है कि आप शायद इसको कर चुके होंगे अब तक। व्हाट इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन सी। व्हाट इज ऑप्शन सी, नाइट्रोजन बेस सुगर एंड फॉस्फेट, ओके। तो यही तो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला बताया हुआ है ना मैंने, न्यूक्लियोटाइड मतलब नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस की जगह प्यूरीन भी आ सकता है और पिरामिडिन, दोनों होते हैं ये। फिर क्या होगी, सुगर होगा और फिर होगा फॉस्फोरिक एसिड जिसे फॉस्फेट के नाम से यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है, राइट करेक्ट बच्चों। अब इस ऑप्शन में पिरामिडिन अकेला दे रखा है, इस ऑप्शन में प्यूरीन अकेला दे रखा है, इस ऑप्शन में सुगर नहीं है,
इसलिए ये बाकी ऑप्शन गलत हुए हैं और सही ऑप्शन हुआ है सी वाला आपका। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। देखिए ये बहुत क्वेश्चन आसान है और मैं आप सब लोगों से ये चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको सॉल्व करें। डीएनए इज ए कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ, मतलब डीएनए में कौन सी यूनिट्स जो होती है वो बार बार आती है, और सीधा कहने का मतलब है कि डीएनए किसका पॉलीमर है, या सीधा यूं कहिए कि इसका मतलब ये है कि डीएनए किसका बना हुआ है। ठीक है ना, तो प्लीज आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, राइट बच्चों? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, राइट? और आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा शाबाश आरएनए। तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में भी होंगे और न्यूक्लियोटाइड आरएनए में भी होंगे। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उनका नेम होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उनका नाम होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब जरा आपको मैंने हिंट दे दिया है, अब जरा इसको सॉल्व करिए। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज राइट आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी या बी? सर डी। डी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये देखिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन डीएनए, राइट बेटा? तो इस तरह आपका ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में आगे देखते हैं। चलो, आरएनए डज नॉट पॉजेस, इनमें से आरएनए में क्या नहीं है, प्लीज बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें से आरएनए में क्या नहीं है, प्लीज बताइए। आशीष आप बताइए। देखो इस तरह से बात नहीं चलेगी भाई। नाइट्रोजन बेस में कितनी बार बता चुका हूं दो तरह के होते हैं, प्यूरीन। आप घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो भाई कोई भी, प्यूरीन और पायरेमिडिन। प्यूरीन दो तरह के होते हैं, एडेनिन और गवानिन, और पायरेमिडिन थायमिन साइटोसिन और यूरेसिन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि थायमिन डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता, और यूरेसिल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। बाकी तीनों कॉमन है, बाकी कॉमन है। अगर मैं डीएनए के नाइट्रोजन बेस लिखूं तो डीएनए के नाइट्रोजन बेस होंगे ए टी जी सी, और अगर मैं आरएनए के लिखूं तो ए यू जी सी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस हियर, कि थायमिन डीएनए में है और यूरेसिल आरएनए में है, बाकी कॉमन है। ठीक है, अभी भी आंसर नहीं बनेगा तुम लोगों से क्या? What is the right answer? Option B. Option B. अब ऐसे क्वेश्चन देखो, मैं कम से कम 5-10 क्वेश्चन करा चुका हूं और उसके बाद भी ये हालात है, इसका मतलब ये है कि पढ़ना ही नहीं है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक डबल हेलिक्स डीएनए है। डबल हेलिक्स का मतलब कि डीएनए डबल स्ट्रैंड वाला है, इस तरह से ये डबल हेलिक्स डीएनए है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, द टू डीएनए स्ट्रैंड आर, इस डबल हेलिक्स डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं। देखो दिस इज वन एंड दिस इज टू। ये कह रहा है कि जो डबल हेलिक्स डीएनए है उसमें जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते हैं। देखो बच्चों, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है ये एक दूसरे पर कॉइल्ड होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे आप
कि दोनों का सेंट्रल एक्सिस एक ही है, दोनों एक ही एक्सिस के ऊपर कोइल्ड होते हैं, मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की कोइलिंग का एक्सिस अलग अलग नहीं है, डीएनए एक कॉमन एक्सिस के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते हैं, यानी एक्सिस जो होता है उनका वो कॉमन होता है। ठीक है, अब जरा इसका आंसर करने का प्रयास करिए। जैसे कि आप ये समझिए कि ये इनका एक कॉमन एक्सिस है, तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो कॉमन एक्सिस के अकॉर्डिंग एक दूसरे पर फोल्ड होते हैं इस तरह से। ठीक है ना, ये कॉमन एक्सिस होता है इनका एक। तो अब बताओ क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कॉइल अराउंड कॉमन एक्सिस, यानी डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो एक कॉमन एक्सिस के अराउंड कॉइलिंग करते हैं। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन ए सेल, एक सेल में सबसे ज्यादा कौन है जो डिस्ट्रीब्यूट रहता है? बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, जब भी ये आया है, ठीक है, 1992 में आया है ये, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बताइए कि सबसे ज्यादा कौन होता है? अब आपको मैं यहां पर बताता हूं कि सबसे ज्यादा जो सेल में होता है वो शाबाश आरएनए, आरएनए होता है। अब आरएनए में भी कौन सा आरएनए होता है? देखो आरएनए तीन टाइप के होते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और एक होता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए बोलते हैं इसको। ये तीनों मिलकर प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आरआरएनए जिसको राइबोसोम कहा जाता है, अब आप समझ गए होंगे। अब अगर आपसे पूछे कि सेल में सबसे ज्यादा कौन है, आरएनए है तो आरएनए ऑप्शन कर दिया। लेकिन सपोज करो कि यहां डीएनए की जगह एमआरएनए होता और इसकी जगह आरआरएनए होता और यहां पे सपोज करो टीआरएनए होता, तो राइट आंसर क्या होता बच्चों? सबसे ज्यादा सेल में जो होता है वो कौन होता है? राइबोसोम आरएनए होता है, यानी आरआरएनए होता है। इज दैट क्लियर? करेक्ट, बात समझ में आई आपको? तो इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रूप भी आ जाए तो भी आपको करना है कि सेल में सबसे ज्यादा कौन होता है? आरआरएनए होता है। इज दैट क्लियर? और अगर डीएनए और आरएनए में कंपैरिजन है तो ऑब्वियस बात है, फिर तो सोचना ही नहीं है कि ज्यादा कौन होगा, आरएनए ही होगा। आरएनए, हाँ, समझ में आया बच्चों एकदम अच्छे से? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। लिविंग सेल कंटेन 60-95% वॉटर, वॉटर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडीज, ठीक है ना। लिविंग सेल में 60-95% तक वॉटर हो सकता है, ये कह रहा है ह्यूमन बॉडी में कितना वॉटर है। तो ज्यादातर बच्चों का जो पेन है वो सीधा 75-80% पे जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपका राइट ऑप्शन होगा ये वाला, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर 65-70% तक वॉटर होता है। ये आपको याद रख लेना है इस कॉन्सेप्ट को। बात समझ में आया? तो यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। करेक्ट बच्चों? यस सर। 65-70% तक वाटर हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, हमारी सेल्स में होता है। नेक्स्ट, एडेनिन इज, एडेनिन क्या है? अब ये करो ना यार, कितना आसान क्वेश्चन है। प्यूरिन, हाँ, सीधा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एडेनिन क्या है? प्यूरिन, प्यूरिन है। अभी आपको बताया है मैंने बार बार कि प्यूरिन में दो नाइट्रोजन बेस आते हैं, एडेनिन और गवानिन, और पाइरिमिडिन में तीन नाइट्रोजन बेस आते हैं, कौन कौन से? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिन, ठीक है ना। तो अब इसने पूछा एडेनिन क्या है, तो एडेनिन क्या है, देखो एडेनिन क्या है, प्यूरिन है। बात क्लियर? तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। आप देखो बच्चों कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको करना है। देखो, आपको मैंने एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो। एंजाइम की पहली क्लास थी ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब ये वो एंजाइम थे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे थे, राइट।
यानी सीधी भाषा में बोलो जो रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे। समझ में आया बेटा एकदम अच्छे से। दूसरा एंजाइम था ट्रांसफीरेज, जो ग्रुप ट्रांसफर का काम कर रहे थे, ठीक है ना। तीसरा था हाइड्रोलाइज, जो हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे। फिर था लाइगेज नहीं, सॉरी, लाइज, जो लाइसिस कर रहे थे, ठीक है। और पांचवा था आइसोमीरेज, जो आइसोमर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? आइसोमर। और सिक्स था लाइगेज या सिंथेटेज, मतलब जो न्यू बॉन्ड बना रहे थे, कोई नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे थे। खैर, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आइसोमीरेज का काम क्या है। आइसोमीरेज क्या बनाते हैं? शाबाश। आइसोमर्स हाँ, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। एंजाइम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग आइडेंटिकल एक्टिविटी। देखो, आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे दो मॉलिक्यूल जो एक जैसे होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं अपन? आइसोमर कहते हैं। तो देखो, एंजाइम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एंजाइम की जरूर डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो सकती है, बट परफॉर्मिंग आइडेंटिकल एक्टिविटी, लेकिन वो कोई सेम चीज या सेम मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ऐसे एंजाइम्स को क्या कहेंगे अपन? आइडेंटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो, आइसो आइसोमर। एंजाइम्स, है ना। मतलब फंक्शन एक जैसे होंगे, स्ट्रक्चर जरूर डिफरेंट हो सकती है, ऐसे एंजाइम क्या कहलाते हैं? आइसो एंजाइम्स कहलाते हैं। और इन राइट बेटा, समझ में आ रहा है? और ये अगर कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे तो आइसोमर ही होंगे, यस और नो? सर। करेक्ट। पढ़ाते समय भी हाईलाइट कराया, आज भी बता रहा हूं। द फोर एलिमेंट दैट मेकअप 99% ऑफ ऑल एलिमेंट फाउंड इन लिविंग सिस्टम, व्हाट इज द राइट आंसर? बहुत हाईलाइट करवाया है मैंने इसको, और ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपकी एनसीईआरटी की टेबल से ये क्वेश्चन है कि चार कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी का 99% मास बना देते हैं। CHON। हाँ, राइट ऑप्शन यहां पर सी है, और याद रखिएगा CHON, CHON आपके एनसीईआरटी में टेबल है, उससे भी आप परसेंटेज देखकर कर सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको कह रहा हूं, हाईलाइट रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। CHON जो है वो हमारी बॉडी का 99% से ज्यादा मास बना देते हैं, ठीक है ना। राइट बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। हाँ, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ, अब ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन किसका बना है, देखिए। ग्लूकोज। हाँ, वेरी गुड, यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज। देखिए, सेल्यूलोज है वो भी ग्लूकोज से बना है, और ग्लाइकोजन है वो भी ग्लूकोज से बना है। तो ये दोनों हैं वो किससे डिजाइन हुए हैं बेटा? ग्लूकोज ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज के पॉलीमर है दोनों। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ग्लाइकोजन है वो ब्रांच्ड होता है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर ब्रांच्ड होती है, ठीक है ना। और जो सेल्यूलोज है इसकी स्ट्रक्चर, शाबाश, अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड होती है, ठीक है ना। और ग्लाइकोजन आपको पता है कि हमारा यानी एनिमल सेल का स्टोरेज फूड है, सही बात है। यस सर। ग्लाइकोजन हमारी सेल का स्टोरेज फूड है, और ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, ब्रेन में पाया मसल जाता सेल में पाया जाता है, ब्रेन, है। नर्व्स, ब्रेन में पाया जाता है। राइट बेटा, करेक्ट। और ग्लाइकोजन स्टोरेज फूड है एनिमल सेल का, इज दैट क्लियर? और व्हाट इज द डिफरेंस, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेल्यूलोज है और ग्लाइकोजन है? ग्लाइकोजन क्या होगा? ब्रांच्ड ब्रांच्ड होगा, और सेल्यूलोज अनब्रांच्ड अनब्रांच्ड होगा, और दोनों ही किसके पॉलीमर हैं? ग्लूकोज ग्लूकोज। की। सर
एंजाइम फर्स्ट यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए ये एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बुक में हालांकि मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर हटा दिया है लेकिन आपके सिलेबस में एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक है, इसलिए अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो एंजाइम यूज होता है उसको कहते हैं नाइट्रोजिनेज। क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रोजनस। इसलिए आप इसे याद रखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? नाइट्रोजिनेज। तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजनस ऑप्शन है। ए ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है। हाँ आप देखो ये वाला क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को करिए। रोल ऑफ एंजाइम इन रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में एंजाइम का क्या रोल है? अब आपको इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं सर, और जो एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे कम देते हैं ताकि वो जल्दी हो सके रिएक्शन। हाँ ऑप्शन बता दीजिए मुझे तो आप। कैटलिस्ट सर, कहाँ है कैटलिस्ट ऑप्शन? ये लिखा है ना सर, कैटलिस्ट, सॉरी इनऑर्गेनिक। सी। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा अपना बुद्धि यूज करना चाहिए। आपको पता है एंजाइम मेड बाय प्रोटीन, और अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बड़ा बेहुदा आंसर आपने यहां पे दिया है जो मैं आपसे उम्मीद नहीं कर सकता था। आप ठंडे दिमाग से ऑप्शन को रीड करिए, आपके सामने ऑप्शन है, और इसके ऊपर कल मैं पूरा 15 मिनट का लेक्चर ले चुका हूं। ऑप्शन ऑप्शन दैट्स गुड, सुपर। सभी लोगों को पता है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है, कल भी पढ़ाया था आपको मैंने। आपको अगर ध्यान में है तो ये वाला जो डायग्राम हम लोगों ने किया था शायद इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर था। ये वाला जो क्वेश्चन कराया था मैंने, इसमें आपको मैंने बताया था कि जो ये बी रिएक्शन है ये एंजाइम की एब्सेंट में हो रही है, बताया था कि नहीं बताया था? तभी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। और जो ए रिएक्शन है वो एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, यहां एंजाइम प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू रिएक्शन? कि इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो एंजाइम का क्या काम हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देना, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देना, तभी तो वो रिएक्शन फास्ट होती है। यही मैं कह रहा हूं कि बस इसके बाद में बस पढ़ते हो ही नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की सोचते ही नहीं है आप लोग। स्पून फीडिंग चाइल्ड मत बने कि सब कुछ टीचर करा देगा। थोड़ा मेहनत करें, खुद प्रयास करें थोड़ा। तो यहां पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक प्रोसेस ड्यूरिंग फीडबैक? ये क्वेश्चन करिए जरा, ये मैंने बताया भी हुआ है आपको। इस कॉन्सेप्ट का डायग्राम भी आपको बताया था मैंने। देखो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब रिएक्शन करेंगे तो ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, लेटर ऑन प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। यही एंजाइम की रिएक्शन होती है। अब आपको मैंने ये बताया था कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, हाईलाइट करके बताया था, एक तो नोट्स नहीं बनाते हो ना, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये प्रोडक्ट ही इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो प्रोडक्ट ही एंजाइम को इनहिबिट कर देगा,
एंजाइम के एक्शन को इनिबिट कर देगा। इसे कहते हैं फीडबैक, ठीक है ना। फीडबैक का मतलब है कि जो एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वही उसे क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, दैट इज फीडबैक इनिबिशन। तो अब बताइए कि इस ऑप्शन में कौन फीडबैक का काम करेगा, ऑप्शन सब सी। ऑप्शन सी एंड प्रोडक्ट। तो अगर एंड प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, तो वो उसी एंजाइम के एक्शन को इनिबिट कर देता है। इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन। बात समझ में आई होगी सभी बच्चों को। प्रोडक्ट ही एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। तो ये आपको समझना है। आप देखिए, बड़ा सबसे आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है, सबसे आसान क्वेश्चन। एंजाइम आर नॉट फाउंडिंग, इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आसान, कोई है जो इसको दिमाग लगा सकता है? सर वायरस। सर बिल्कुल, वायरस। आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वायरस नॉन लिविंग है, क्योंकि उसके पास वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, वो अपनी एनर्जी नहीं बना सकता, वो ऑटोनॉमस नहीं है। अब क्यों नहीं मेटाबॉलिज्म कर सकता है, क्योंकि उसके बाद एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं है, उसके पास खुद के एंजाइम नहीं है, इसलिए वो अपनी तरफ से अपनी सेल के लिए कोई भी फंक्शन खुद नहीं कर पाएगा। बात समझ में आए? तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शाबाश, वायरस। एंजाइम आर नॉट फाउंड इन वायरस बिकॉज वायरस जो है वो नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं हम, कनेक्टिंग लिंक है ये लिविंग नॉन लिविंग की, और वायरस के अंदर कोई एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं है, यही इस बात को प्रूव करती है कि एंजाइम नॉन लिविंग है। बात समझ में आया एकदम अच्छे से? करेक्ट। नेक्स्ट, नाउ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। व्हाट इज एटीपी? एटीपी क्या है? आप सभी को पता होगा कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या थी, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट अगेन ट्राइफॉस्फेट। दैट्स गुड। न्यूक्लियोटाइड। तो एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी की अगर आपको मैं देसी स्ट्रक्चर बताऊं, कुछ इस तरह से कि ये सुगर है, ये एडेनिन है, और ये ट्राइफोस्फेट है। मतलब यहां पर कितने फोस्फेट ग्रुप जुड़े होंगे भाई? शाबाश, कितने? तीन, तीन। है ना। तो इसका नाम हो गया एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट। तो ये एक तरह से न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन बच्चों, अब ये एडेनिन तो आपको पता है आरएनए में भी हो सकता है और डीएनए में भी हो सकता है। समझ में आया? तो मैं आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूं कि अगर मान लो मैं यहां पर ऐसा देता, ये क्वेश्चन तो समझ गया कि एटीपी न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन मैं एक नया क्वेश्चन आपको यहां पर डिजाइन करके दूं कि एटीपी क्या है। एटीपी इज, ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। मतलब वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन टू राइबो न्यूक्लियोटाइड, या वो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। अब क्या करेंगे आप लोग? ठीक है, एटीपी न्यूक्लियोटाइड है, ये बात तो सही है, लेकिन वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है या आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है? सेल जिस एटीपी को यूज करती है, सेल जिस एनर्जी को यूज करती है, उस एटीपी की बात कर रहा हूं मैं। सर आरएनए। हाँ, सेल जिस एटीपी को यूज करती है एज ए एनर्जी, वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड नहीं है बच्चों, वो किसका न्यूक्लियोटाइड है? शाबाश, आरएनए का। आरएनए। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। यानी उसमें राइबोज शुगर होगी। कौन सी शुगर होगी? शाबाश, राइबोज शुगर, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। ये कह रहा है कि सेल्यूलोज जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है,
और प्लांट सेल की सेल वॉल का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये सेलुलोज किसका बना होता है? तो बच्चों मैं थोड़ा सा यहां पर आपको समझाना चाहूंगा, यहां पर थोड़ा खाली स्पेस है यहां पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आपको ध्यान है तो मैंने कहा था कि ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज में एक फर्क है। बच्चों क्या फर्क बताया था अगर आपको याद है तो? सेलुलोज में ब्रांच लिपिड नहीं है, मतलब ब्रांच्ड नहीं होती है, और वो ग्लाइकोजन में होती है ब्रांच्ड। सेल्यूलोज अनब्रांच्ड है और ग्लाइकोजन ब्रांच्ड ब्रांच्ड, यही तो फर्क है। आप देखो बच्चों कि दोनों ग्लूकोज से बने हुए हैं, तो सपोज करो कि ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इस तरह से ग्लूकोज से बने हुए। इस तरह से देखिए, जब भी इस तरह से हॉरिजॉन्टली ऐसे ग्लूकोज अरेंज हैं, तो इनमें सदैव जो होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? क्या बस? 1,4 ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मैंने पढ़ाया भी था आपको। और अगर कोई इस तरह से ब्रांच बने, इस तरह से क्या बने? ब्रांच। ब्रांच तो ब्रांच में हमेशा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, β-1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट बेटा? आप एक बात सुनो, अगर सीधी चेन है तो कौन सा बॉन्ड होगा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक, यानी एक शुगर का पहला कार्बन और दूसरी शुगर का फोर्थ कार्बन, राइट बेटा? यस और अगर कोई चेन बने इस तरह से, तो ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ये भी 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। समझ में आ रही है बात? मतलब एक शुगर का पहला कार्बन, दूसरी शुगर का 6 नंबर कार्बन बॉन्ड बनाएगा। तो अब ये बताओ कि ग्लाइकोजन की अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर क्या है? ब्रांच डेथ। ब्रांच तो इसमें दोनों बॉन्ड होंगे, 1,4 बॉन्ड भी होगा और वन क्या बस सिक्स भी 1,6 भी होगा, होगा, जबकि सेल्यूलोज में केवल 1,4 होगा, कौन सा बॉन्ड होगा? 1,4 वन ग्लाइकोसिडिक। फोर क्यों होगा 1,4? क्योंकि इसमें ब्रांच नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ भाई, समझ में आया सभी को? यस सर। तो सेल्यूलोज अनब्रांच्ड है और उसमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें ब्रांच नहीं है। उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो अब हम इसी को सॉल्व करते हैं और हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, पहला ऑप्शन बोल रहा है ब्रांच्ड, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ब्रांच के नाम से ही, राइट? ये सुनो, दूसरा बोल रहे अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय, ठीक है ये बीटा है, β-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज द शाबाश राइट ऑप्शन। तीसरा ब्रांच्ड की वजह से गलत है और चौथा, अल्फा A4 है ना, इसलिए गलत। हाँ ये β-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, करेक्ट? तो यहां पर कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा? बी। बी हाँ चलिए, ये क्वेश्चन करके मैं आपको समय दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। लैक्टोज इज ए कंपोज्ड ऑफ, करिए इसको। मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं तब तक वो डाउट क्लियर कर रहा हूं। लैक्टोज वाला क्वेश्चन करिए भाई। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट कुछ नहीं है। चलिए करिए आप लैक्टोज वाला क्वेश्चन करिए। देखो इस तरह से अगर पढ़ोगे तो ये तो गलत बात है। देखो इससे मेरा मोरल डाउन होता है, और खास करके सबसे बड़ी बात है कि मेरी छवि भी खराब होती है, ठीक है ना? क्योंकि इस तरह से अच्छा नहीं लगता है यार, ठीक है ना?
कल से मैं 50 बार बता चुका हूं कि लैक्टोज मिल्क शुगर है और जो बनी होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। नहीं पढ़ना आप लोगों को तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और मेरा। कल से कितनी बार बताया मैंने लैक्टोज इज अ डाइसेकेराइड, लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर एंड कंपोज्ड बाय ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बताया कि नहीं बताया आशीष? यस और नो? देन व्हाट हैपन, व्हाट आर यू डूइंग? सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। मैं वंस अगेन आपसे सबसे कह रहा हूं इस तरह से कि पूरा का पूरा मुझ पे निर्भर मत रहिए कि सब कुछ सर करा दें, और सर करा भी दे चलो, लेकिन कम से कम उसको घर पे रिवाइज तो करो। नाउ को फैक्टर इज अ पार्ट ऑफ फॉलो एंजाइम। आपको पता है को फैक्टर इनऑर्गेनिक होता है, नॉन प्रोटीन है, आप जानते हैं इस बात को। इज अ पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, वो होलो एंजाइम का पार्ट है। तो वो क्या है, अब जरा बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो को फैक्टर होगा वो बहुत मजबूती के साथ जुड़ा होगा। समझ में आ रही बात? किसके साथ? एंजाइम के साथ। जैसे कि सपोज करो ये एंजाइम है तो को फैक्टर यहां इसके साथ बहुत अच्छे से मजबूती से जुड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा होगा। यहां पर बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पे लूज वाले तो ऑप्शन आप वैसे हटा दें, करेक्ट? यस और नो? और यहां पर इंग्लिश का एक वर्ड है फिर्मली। फिर्मली का मतलब यही होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आपको इसने को फैक्टर इनऑर्गेनिक का लालच भी दिया है कि कहीं आप ये इनऑर्गेनिक वाला सही कर दें। समझ में आया? ठीक है, लेकिन ये लूजली अटैच नहीं होता है। बात समझ में आई आपको? इसलिए इसका ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट? इसलिए सारे ऑप्शन को अच्छे से देखना है, और यहां पे अपना कॉन्सेप्ट भी समझ लेना कि वो मजबूती से जुड़ा होगा। चलिए, ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं, और उम्मीद करूंगा कि आप अब कुछ थोड़ी मेहनत खुद करेंगे। ठीक है, इतना तो मैं उम्मीद आपसे कर ही सकता हूं। ठीक है, और आप लोगों को जैसा कि बताया मैंने कि कम से कम क्लास के बाद आप रिवीजन जरूर करें एक बार। ठीक है ना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है।